हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कड़च में एक 8 महीने का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया। इस सूचना पर एसएसपी अजय सिंह सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस बच्चे की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। सड़क मोहल्ले से फोन प्राप्त हुआ था एक बच्चा चोरी होने का, तो इसमें कुछ सस्पेक्ट लोग के बारे में बताया भी गया है कि ऐसा देखा गया था वहाँ पर, और हम लोग कैमरे की फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। तो इससे जो भी चीज़ आगे निकल के आएंगी इसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी, लेकिन अभी तक वर्तमान में जो लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर आया, लेकिन जिस तरह से अंदर कमरा है और जहाँ बच्चा सो रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई जानने वाले को पता भी होना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अननोन आदमी किसी बहाने से यहाँ घूम रहा हो, या भीख मांगने या कुछ अन्य चीज़ों मांगने के लिए लोग घूमते हैं यहाँ पर दान वगैरह के लिए, उसके द्वारा भी घटना करने की संभावना लगती है।